ऑन दिस इज मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आने वाले दिनों में आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप जानना चाहते हो कि क्या पर्सन ओपन अप करेगा फीलिंग्स को लेकर, क्या वो चाहे कंसील्ड वे में ही सही लेकिन अपना प्यार जो है एक्सप्रेस कर पाएगा आने वाले दिनों में या नहीं, या आपको और वेट करना पड़ेगा, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपका पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा और आप चाहते हो कि वो करे ताकि चीज़ें आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ें। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आने वाले दिनों में आपका पर्सन आपको लेकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, हाँ या ना। वी हैव आर फर्स्ट कार्ड विच इज़ अ नो एंड देन वी हैव आर फर्स्ट कार्ड सेकेंड कार्ड विच इज़ सक्सेस। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली शायद ये ना करें अपने प्यार का इजहार अपनी फीलिंग्स का इजहार, लेकिन आपको इस कनेक्शन में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जो आप चाहते हो इस पर्सन से वो आपको ज़रूर मिलेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा थोड़ा करके बदलना शुरू हो जाए, लेकिन एक्सप्रेसिव मुझे ये होता पर्सन दिख नहीं रहा आने वाले कुछ दिनों में। मुझे नहीं लग रहा कि ये प्यार एक्सप्रेस करेगा या फिर आपको कुछ भी ऐसा पॉजिटिव करके अपने एटीट्यूड से शो करेगा जो कि आपको लगे कि नहीं ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है। लेकिन इस सिचुएशन में किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है वो मैटर करेगा, वो डिटर्मिन करेगा कि क्या आने वाले कुछ और हफ्तों में वो कर पाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। सो मेक श्योर कि ये जो फियरफुल थॉट्स हैं कि पता नहीं वो प्यार करता भी है या नहीं करता पर्सन आपका, ये चीज़ें अपने जहन से निकालनी है आपको। और जहाँ पर आप स्टार्ट कर दो ये सोचना कि नहीं अब तो वो प्यार का इजहार करेगा ही करेगा या फिर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, या फिर अगर आप ये इमेजिन करना शुरू कर दो कि वो कर रहा है ऑलरेडी, जैसे आप उसके साथ मेंटल कन्वर्सेशन करो जहाँ पर आप हमेशा एक ही बात अपने पर्सन से कम्युनिकेट करो, जैसे कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है और रिटर्न में आप क्या जवाब दे रहे हो, एक मेंटल कन्वर्सेशन इस तरह से बना लो और उसको रिपीट करते रहो। जब आप ऐसी सिचुएशंस में मेंटल कन्वर्सेशंस करते हो तो आपकी नो कम्युनिकेशन बहुत जल्द ख़त्म होती है, पहली चीज़। अगर आपका इस तरह से कोई भी इशू है जो आप रिजॉल्व करना चाहते हो पर्सन के साथ, जहाँ पर जैसे आपकी सिचुएशन में ये है कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अपने माइंड में एक वो मेंटल कन्वर्सेशन करना शुरू कर दो कि पर्सन एक्सप्रेसिव भी हो रहा है, चीज़ों को आगे ले जाने की बात भी कर रहा है, तो ऐसा ही होने लग जाएगा। सो इट्स मोर लाइक कि राइट नाउ इस चीज़ के ऊपर फियरफुल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये रियलाइज़ करो कि पर्सन और आपका कनेक्शन का जो है वो डेफिनेटली अल्टीमेट जो है वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सो वो अभी एक्सप्रेस कर रहा है या उसको और टाइम चाहिए, लेट दैट बी लेट दैट सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। लेकिन एक फेथ रखना और अपने आप को पॉजिटिव रखना वो बहुत ज़रूरी है राइट ना। मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली कनेक्शन को और आपको वो रिकन्सिडर करेगा और इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप दोनों को पेशेंस रखनी पड़ेगी इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो प्यार एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, उसमें काफ़ी हद तक आप भी अपने आप को लेकर पॉजिटिव नहीं फील करते हो, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर है, चाहे वो अपनी लुक्स को लेकर है, आप ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से कनेक्शन में जो है वो एक ब्लॉक की तरह चीज़ें उस तरह से अच्छी नहीं जा रही। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपके अंदर ख़ुद को लेकर कॉन्फिडेंस होना और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम आपको करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपका पर्सन भी राइट नाउ अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हो जहाँ पर उसको लगे कि अब अगर वो आपके साथ आता है और कनेक्शन में रहता है या कनेक्शन को ऑफिशियल करता है या फिर अपना प्यार का इजहार करता है तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको लगता हो कि नहीं अभी आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, लेकिन हो सकता है कि आपके अपने इस तरह के फियर्स हों जिसमें आपको भी यही सब फील हो रहा हो। सो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना फियर जो है उसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है।
है. सो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले कुछ दिनों में पर्सन अपने प्यार का इजहार करेगा, नॉट इवन इन अ कंसील्ड वे. राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है, और वन स्टेप एट अ टाइम लो, और कोशिश करो कि अपने ऊपर काम करो, जहाँ पर आप अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करने की कोशिश करो, और हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुद को लेकर अच्छा फील हो. अपनी लुक्स का ख्याल रखो, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, और कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो. चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, और मैनिफेस्टेशन तो 24/7 होती ही है, चाहे वो अच्छी थॉट्स हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं या बुरी थॉट्स हैं. लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने अपने थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है, अपने आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप ये सोचना छोड़ दो कि पर्सन शायद इसलिए मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, या फिर उस लिए मेरे से प्यार नहीं करेगा. वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपकी रियलिटी में, उसको भी वही रीज़न दिखना शुरू हो जाएंगे, उसको भी वही फियर्स दिखना शुरू हो जाएंगे. सो स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली अपने कनेक्शन को लेकर, और फिर आपकी लाइफ में आपका पर्सन और उसको आपको यही लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो. जैसे शायद आपको भी उसके लिए लगता है, लेकिन जब आप उसको देखते हो कि आपका पर्सन आपको लेकर कैसा सोच रहा है, तो आप हमेशा यू लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ कि शायद उसको मैं अच्छा नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती. सो वो चीज़ आप जब बदलोगे, जब आपको लगेगा कि नहीं, आई एम द परफेक्ट चॉइस फॉर दैम और परफेक्ट वन फॉर दैम, तो वो एक आपको उसके पर्सन के एटीट्यूड में भी दिखने लगेगा. तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और काफ़ी हद तक आप मेजॉरिटी लोग आप में से जो है वो नेगेटिव सोच रहे हैं कनेक्शन को लेकर और फ्यूचर को भी लेकर. आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो खास नहीं है, क्योंकि शायद आप में कुछ कमी है, या फिर शायद ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, लेकिन जो असल रीज़न है जिसके ऊपर आपने काबू करना है, या जिसके ऊपर आपने अपना एफर्ट करना है और वर्क करना है, वो है कि यू हैव टू लुक विद इन, ट्रस्ट रखना, फेथ रखना, सरेंडर करना, बिलीफ रखना, और ये फियर निकाल देना कि वो आपसे प्यार क्यों करेगा. ये क्वेश्चन करने के बजाय अपने आप को रीजंस दो क्यों करेगा वो आपसे प्यार, क्योंकि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप उससे आपका कनेक्शन उसके लिए काफ़ी मीनिंगफुल है, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने आप को बताना चाहो, ताकि आपको खुद के लिए भी अच्छा लगे, और ये भी आप कॉन्जर अप कर सको अपनी लाइफ में एज अ रिएक्शन ऑफ योर पर्सन, जहाँ पर वो आपको ये सब कुछ बोले भी. इसमें फिर मेंटल कन्वर्सेशन लाइक ए सरलियर, तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ अगर आप ये सब नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि जैसे कनेक्शन चल रहा है, जहाँ पर पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ कहता नहीं है, फीलिंग्स नहीं बता रहा, नॉट इवन इन अ कंसील्ड वे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें फिर बदलेंगी नहीं. तो बहुत ज़रूरी हैं दो तीन चीज़ें, और वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन से कनेक्टेड नहीं हैं. लेट्स सी के और ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए राइट नाउ, ताकि आप जो चाहते हो वो पर्सन कहे आपसे, ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेकर. लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए. Gentleness, be kind to yourself and others. Honor your gentleness and speak words of love. अच्छा, मेजॉरिटी लोगों में हो सकता है कि आप फाइट और आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हो पर्सन से रिगार्डिंग द सेम इशू जो आपको लगता है इस इंसान के साथ चल रहा है, जहाँ पे आप चाहते हो कि वो ओपन अप करे और वो ओपन अप नहीं करता, और आप फाइट करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो. वो चीज़ भी ख़त्म होने की ज़रूरत है. अगेन, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप प्रेशराइज नहीं करोगे पर्सन को टू स्पीक द वर्ड्स ऑफ लव, या फिर वो अपनी इंटेंशन आपसे शेयर करें. मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप फियरफुल हो, उतना ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन हैज़ टू गिव यू द क्लैरिटी, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में, तो आप फियरफुल हो जाते हो. तो ये चीज़ें जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आपको फियर्स नहीं रहेंगे कि पर्सन आपको छोड़ गया फ्यूचर में तो क्या होगा. इसलिए आपको कन्फर्मेशन चाहिए उसके एंड से, आपको वो एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहिए, ताकि आपको सुकून मिल सके कि हाँ, यू हैव दैट पर्सन एंड दिस लव इज़ म्यूचुअल एंड एवरीथिंग. लेकिन कन्फर्मेशन अगर आप खुद को ही ग्रांट कर दो अपनी तरफ से ही कि ऐसा ही है, तो तब भी आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट्स गोना रिफ्लेक्ट इन योर रियलिटी टू. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, एंड ट्राई कि करो करो कि आप अपने फियर्स को जो है वो जो फियर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं नेगेटिव थॉट के, उसको काबू करने की कोशिश करो, ताकि आपकी लव लाइफ में आसानियां आएँ. सो ये थ्री रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.